हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम जा रहे हैं ईरान, वापस से ईरान जा रहे हैं। तो वो पुरानी वाली सीरीज, आप लोग सोच रहे होंगे पुरानी सीरीज अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, सिर्फ वो आधे व्लॉग ही डले। तो पुरानी वाली सीरीज मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि हम दोबारा से ईरान जा रहे हैं, तो न्यू सीरीज आएगी, तो इसलिए आप न्यू सीरीज देखिएगा मेरे लिए। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ये और उसमें आप अच्छे अच्छे कमेंट देगा ताकि मेरा मोराल आए हो, इसलिए। और आज हम लोग वही बाय रोड जाएंगे, गवादर वाले रास्ते से जाएंगे, फिर बॉर्डर है। लेकिन एक आज एडवेंचर भी होगा, कल होगा कि कल जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे, हमारे एक घंटे में फ्लाइट है, तो मतलब हमने बॉर्डर इतनी जल्दी वो करना है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? क्रॉस करना है कि हम फ्लाइट में भी हो, हमारी फ्लाइट लेट ना हो, तो आप लोग दुआ करिएगा प्लीज। फिर आपको मिलते हैं बाकी कहीं और स्टॉप में, बाय। तो गाइस, अभी हमने विंडर क्रॉस कर लिया, लेकिन हमारे ड्राइवर जो था उसने रोका नहीं, तो हम आए हैं इधर जीरो पॉइंट पे। इधर छोटा सा होटल है, ये थोड़ा सा फैमिली टाइप है, चारपाई वगैरह। अभी तो खैर अभी चाय मंगवाइए, चाय पियेंगे, फिर वॉशरूम वॉशरूम करके अगला देखते हैं स्टॉप कौन सा होगा, तो मिलते हैं आपको बाद में। चाय देखे, हमारी चाय आ गई है, बड़ी प्यारी लग रही है चाय। तो गाइस, अभी उड़मारा पे स्टे किया है, ये थोड़ा सा अच्छा होटल है, पिछली बार से इसका नाम है गवादर टू नाइट। ये देखें, ये ऐसे ऐसे रूम बने हुए, काफी अच्छा अंदर फैमिली रूम है। रात के अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस, मैंने अभी ईरान बॉर्डर क्रॉस किया, आप देख सकते हैं ये अभी ईरान बॉर्डर के बैठने की जगह, वो एग्जिट है चाबहार के रूट के लिए। अभी ईरान बॉर्डर वो क्रॉस किया है, रश था थोड़ा बहुत लेकिन कर लिया, अल्लाह ने साथ दिया। बस अभी निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। चाबहार यहाँ से चाबहार का शायद से 2 घंटे का सफ़र है, और फिर एयरपोर्ट 1 घंटा होगा। देखते हैं, हम इंशाल्लाह जल्दी पहुँच जाएंगे, आपको मिलते हैं बाद में। तो गाइस, अभी हम चाबहार के एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, अब देखते हैं फ्लाइट। वैसे टाइम पर पहुँच गए, अल्लाह का शुक्र है। अभी बोर्डिंग करते हैं, चेक इन करते हैं, फिर आपको उस वक्त मिलता हूँ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, मेरे पास आ गया मेरा बोर्डिंग पास, आज चेक इन भी कर लिया है, अब इधर बोर्डिंग भी हो गई हमारी। अब हम बस का वेट कर रहे हैं, फिर जब बस इधर खड़ी भी तो हैं, अभी बस का वेट करते हैं, फिर देखते हैं, फिर प्लेन में मिलता है आपको। तो ये हमारा प्लेन है, अभी हम इसमें जाके बैठेंगे। तो काफ़ी छोटा सा प्लेन है, आई थिंक इसमें 100 पैसेंजर्स आएंगे, वो भी मुश्किल से। ये रनवे है। चिकन कबाब विद राइस, देखते हैं मतलब ये कैसा होगा, फूड रिव्यू करेंगे हम। इंडिया सेम से
गर्म हो रहा है एकदम ही, और साथ में इन्होंने एक छोटी पेप्सी पी है। पाकिस्तान में बाइकआउट चल रहा है, पेप्सी कल यहाँ पे नहीं है। लगेज के लिए बेल्ट पे खड़े हुए हम, अभी बैगेज का वो करता हूँ, बैगेज क्लेम करता हूँ। तब तक के लिए बाय, और मैं ये वाला व्लॉग एंड कर रहा हूँ, मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, बाय। ये टर्मिनल नंबर 6 है, सामने देखें बर्फ़ के पहाड़, और वो अच्छी चीज़ लग रही है, वो आई थिंक कोलंबो का भी निशानी है, वो बनी हुई आई थिंक वो टावर टाइप है। सर्दी हो रही है थोड़ी बहुत, सर्दी हो रही है, अभी देखते हैं, जैकेट पहनता हूँ मैं। उधर बर्फ के पहाड़, बर्फ कह रहा हूँ, बर्फ के पहाड़। गाइस आप ये देखें, ये इन्होंने हायर आई थिंक कॉम के बंदे खड़े किए हैं, क्या किए हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ पास जाके। आई थिंक हर कॉम के बंदे। ओ चलो बाय, रखता हूँ।